राजगढ़ किसानों के खेतों पर लगी डीपी ट्रांसफार्मरों से रात्रि में करते थे बिजली तेल की चोरी। 6 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 चार पहिया वाहन एवं करीबन 800 लीटर बिजली का तेल, कुल मशरूका 13,50,000 रुपए का जब्त किया। पुलिस कप्तान राजगढ़ श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, आईपीएस अति पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री मनकामना प्रसाद द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को चोरों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में एसडीओपी ब्यावरा श्रीमती नेहा गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्यावरा, शहर निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना ब्यावरा शहर पुलिस द्वारा चोरों की धरपकड़ हेतु सघनता से चेकिंग व लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते दिनांक 30/5/2023 को ग्राम तलेनी के किसानों द्वारा थाना उपस्थित आकर थाना प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर को अवगत कराया गया कि उनके खेतों में लगी डीपी के ट्रांसफार्मरों से बिजली का तेल रात्रि में किन्हीं अज्ञात चोरों द्वारा चुराया गया है। गांव वालों ने एक सफेद कलर की बुलेरो गाड़ी में अज्ञात लोगों को रात्रि में खेतों की तरफ घूमते हुए देखा, जिनके खौफ के कारण ग्रामीण जन खेतों पर रात्रि में नहीं जाते हैं। फरियादी लखन लाल यादव पिता मदन लाल जी यादव निवासी तलेनी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध क्रमांक 370/23 धारा 369 आईपीसी एवं 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। किसानों के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनके खेतों में लगे जो डीपी है उसमें से कुछ दिनों से लगातार ही उसमें बड़ा तेल किसी गैंग के द्वारा चोरी किया गया था। इसमें हमारे द्वारा 2 मामले भी पंजीबद्ध किए गए थे। इसमें मिली सूचना पर हमारे द्वारा इस पूरी गैंग को पकड़ा गया है। इसके 6 सदस्य हैं जो हमारी अभी गिरफ्त में आए हैं। इन लोगों से हमने इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली 2 चार पहिया वाहन को लगभग 850 लीटर के आसपास हमारे द्वारा ऑयल जब्त किया गया है, और इसमें अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश जारी है, उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।